हेलो सर, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ई के बराबर है, और अभी मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में इसको लिख रहा हूँ, जी की वैल्यू में जीरो मान रहा हूँ। अब एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इनिशियल स्पीड यू से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसे पूछता है कि कितने टाइम में ग्राउंड पे टकराएगा, रेंज कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा ग्राउंड से, एटसेट्रा। तो देखिए, सबसे पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से लगेगा, एम जी तो है नहीं। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से लगेगा तो फोर्स कितना लगेगा, इट इज क्यू इन टू ई, ये फोर्स लग गया। अब फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो कोई पूछे एक्सेलरेशन कितना होगा, इट इज क्यू ई अपान एम, आ गया। क्यू कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, और डायरेक्शन डाउनवर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एक ऐसे फील्ड में जिसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और कांस्टेंट है। अगर पूछ रहा टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, रेंज बताइए, ये तो क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, और पार्टिकल को अपने से फेंका है तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो कुछ नहीं, जो जी का रोल है वही प्ले कौन कर रहा है, क्यू ई अपन एम प्ले कर रहा है। तो हम कुछ और नहीं करेंगे, सारे के सारे जो फॉर्मूले आते हैं उसमें जी को रिप्लेस कर देंगे क्यू ई अपन एम से, और आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इसका मोशन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है और ऐसे गिर रहा है, तो कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इट इज टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी लिखते हैं ना, तो जी की जगह पे एक वर्ड लिख लेंगे जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या आएगा, क्यू ई अपन एम। कोई पूछे मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव फिर ये लिख लेंगे। रेंज ये होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी इफेक्टिव, और अगेन जी इफेक्टिव वही आएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका मोशन, अगर किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2D मोशन है। नहीं, इसका मतलब कि जितना आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, बशर्ते करना क्या होगा, जहाँ पर आप जी लिख रहे थे, एक्सेलरेशन लिख रहे थे, वहाँ पर आप क्यू अपन एम लिखेंगे। ऐसा हमें कुछ मतलब एक्स मोशन अलग सॉल्व करो, वाई मोशन अलग सॉल्व करो, और सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लगा तो आपके आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, एक और बात करते हैं, ये तो जी इफेक्टिव क्यू या पाने मारा है, जब जी नहीं है तो मान लो जी भी होता तो हम क्या करते हैं। तो अगर आप जी को नीचे को दिखा रहे हैं वो भी होता तो जो फोर्स होता, फोर्स वो बराबर किसका होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्यू ही नीचे को, और एम जी भी तो नीचे को, एम जी भी नीचे को आता, नेट फोर्स क्यू ई प्लस एम जी। तो फोर्स और क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई क्यू ई अपान एम प्लस जी। तो यही रोल प्ले करेगा किसका, जी इफेक्टिव का। अब इन सारे फॉर्मूले में इसका यूज कर लीजिए। मतलब मैं कुल मिला के आपसे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या पता करेंगे, नेट फोर्स पता करेंगे, उसके बाद क्या पता करेंगे, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये एक्सेलरेशन ही किसका रोल प्ले करेगा, जी इफेक्टिव का। और वंस वी फाइंड जी इफेक्टिव यू कैन यूज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्स एक्सिस अलग सॉल्व करिए, वाई एक्सिस अलग सॉल्व करिए, फिर एक्स को वेलोसिटी को लिख लीजिए, वाई की वेलोसिटी लिख लीजिए, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, एवरीथिंग जो आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन आप यहाँ यूज कर सकते हैं। नहीं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट आता है, इसे कराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, तो ये क्वेश्चन है एक इजी क्वेश्चन है, कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल क्यू है यहाँ पे, जो एग्जैक्टली इस प्लेट और इस प्लेट के एग्जैक्टली बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है, इस दो प्लेट के बीच की दूरी है 10 मीटर, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम,
इस प्लेट का वेट था 20 मीटर, इसका भी वेट था 20 मीटर। स्क्वायर प्लेट, एक ऐसा स्क्वायर प्लेट है और नीचे भी एक स्क्वायर प्लेट है। ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, और 20 की दूरी कितनी है? 10 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है 20 न्यूटन पर कूलम का। अब एक चार्ज पार्टिकल्स का, चार्ज 2 कूलम है, मास 4 kg है, उसको एग्जैक्टली दोनों प्लेट के बीच में से स्पीड यू से प्रोजेक्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यू मिनिमम टू नॉट स्ट्राइक विथ प्लेट्स। सही भी है, अगर आप बहुत तेज फेंको देखो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन बहुत धीरा फेंकोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना चार्ज पार्ट के ऊपर को खींचेगा, ऊपर को खींचेगा, क्यूवी का फोर्स आएगा ऊपर को खींचेगा, तो फिर ऐसे भाग के हो सकता है इसमें टकरा जाए। तो क्वेश्चन में है पहला कि यू मिनिमम टू नॉट स्ट्राइक विद द प्लेट। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है, इफ यू इज इक्वल टू यू मिनिमम बाय टू देन हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कोलाइड्स विथ प्लेट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको यू मिनिमम निकालना है, तो इसको कम से कम इतना स्पीड दो ना, इतना स्पीड ताकि यू इस प्लेट को ग्रेस करे, जस्ट ग्रेस कर रहा हो ऐसा ग्रेस करे, इसी केस में ये यू मिनिमम होगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आपने तेज फेंक दिया तो फिर ऐसे निकल जाएगा, और इससे धीमा फेंक दिया तो इससे टकरा जाएगा। मतलब यू मिनिमम केस में इस पार्टिकल को इसको ग्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया और इसको मैंने वाई डायरेक्शन मान लिया ऐसे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसके लिए फोर्स, अच्छा जब तक दिया नहीं गया हो ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लीजिए, एब्रावर क्या आएगा क्यू इंटू ई, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई अपान एम। अब क्यू किसके बराबर है, 2 कूलम के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, 20 के। मास क्या है, 4 kg का, 4 यहाँ रख दो, आ गया 10 m/s². इसका मतलब इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन ऊपर क्या होगा, 10 m/s². अब सॉल्व करेंगे सबसे पहले एक्स डायरेक्शन, फिर वाई कर लेंगे। एक्स डायरेक्शन में जब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक्स में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट 20 बराबर, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि वाई में है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, डिस्प्लेसमेंट 20 बराबर वेलोसिटी यू इंटू टाइम निकलेंगे, यू इंटू टाइम निकलेंगे, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 20/u। आगे तो इतने टाइम में पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में इतना दूरी तय कर लेगा, तो क्या इतने ही टाइम में इस पार्टिकल को वाई में इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हाँ, जब वाई में इतनी दूरी तय करेगा तभी तो जाके ऐसे निकल पाएगा। तो इतने टाइम में इसका वाई में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, वाई में यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर वाई में, फॉर्मूला लगा दिया, इसको यू डैश लिख लीजिए क्योंकि ऊपर यू लिखे हुए हैं। तो वाई का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ये एकदम बीच में ना, ये पार्टिकल इस प्लेट के एकदम बीच में है, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी 10 मीटर है, तो ये दूरी क्या आएगी, 5 मीटर, तो 5 मीटर। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि पूरी पूरी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल, पूरी पूरी x में, तो y में वेलोसिटी क्या आएगी, 0। तो आप लिखेंगे y बराबर u 0 इंटू टी प्लस हाफ, और y में एक्सेलरेशन कितना है, y में एक्सेलरेशन देखिए 10 है, इंटू टी स्क्वायर, और टाइम कितना है, 20 है पानी, तो इतने टाइम में वो इस एंड तक पहुंच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अभी आंसर आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, 5 से 5 कटेगा तो 1 आ गया, इसको भेजिए तो u स्क्वायर बाई बराबर 20 का स्क्वायर, देन व्हाट इज u, u इज 20 m/s, u इज 20 m/s, इसको और ऊपर लिख दें, इसको आप इसी में हटाता हूँ, दिस u इज 20 m/s एंड दिस वन इज आंसर। इसका मतलब अगर इस पार्टिकल को आप 20 m/s से अगर फेंकते हैं तो फिर इसको ग्रेस कर रहा होगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसको हटा दिया, ये तो मिल गया आपको पहले पार्ट का आंसर,
कि यू मिनिमम इज, पहले पार्ट का आंसर है कि यू मिनिमम क्या होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर इसे मिनिमम स्पीड से फेंके गए जब इसको ग्रेस कर रहा होगा तो ये कितना एंगल बना के ग्रेस कर रहा होगा, ये इसका डेविएशन बताइए। डेविएशन जा रहा था इधर तो कितना एंगल डेविएट हो गया, कितना एंगल डेविएट हो गया। तो ये जो एंगल डेविएशन है ये किसके सहायता से आएगा, वेलोसिटी की सहायता से आएगा, नहीं डेविएशन वेलोसिटी बताती है ना, पाथ कितना एंगल बना रहा है वेलोसिटी बताती है। तो ये x की वेलोसिटी, तो आप पहले लिखिए x की वेलोसिटी क्या हमेशा कांस्टेंट है, हाँ u, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन y में, तो u 20 आ गया। अब y की वेलोसिटी निकाल लें तो हमारा पैरेललोग्राम के सहायता से एंगल थीटा ये आ जाएगा। और y की वेलोसिटी किससे आएगी, वी वाई की वेलोसिटी आएगी u प्लस 80y में, तो u y में जीरो है एंड प्लस a, y का एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टी, अब टी निकलेगा हमारा आंसर आ जाए, तो t के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना था 20 था और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम कितना आएगा 20/20, याद करिए ये लिखा भी था हमने 20/20। अच्छा इसको टाइम क्या लिख लेते हैं, टाइम इज 20/20, इट इज 1 सेकेंड। अब इस वन को उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल की वाई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्स में क्या है 20, तो एंगल थीटा देन व्हाट इज 10 थीटा, 10 थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ भी वाई है 10 के बराबर, ये लेंथ 20 है तो 10/20, देन व्हाट इज थीटा, थीटा इज 10 इनवर्स 1/2 एंड दिस वन इज आंसर्स, थीटा इज 10 इनवर्स 1/2, इसको ऊपर लिख लें थीटा इज 10 इनवर्स 1/2। तो रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पार्टिकल को बीच से फेंका है तो बताइए मिनिमम स्पीड कितनी हो ताकि उसको क्रॉस कर सके, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, तो वेलोसिटी के सहायता से निकाल लेंगे, वाई की वेलोसिटी अलग निकालो, एक्स की अलग निकालो, फिर टेक द हेल्प ऑफ थीटा 10 थीटा। ओके चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इफ़ यू इज यू मिनिमम बाई 2, तो यू मिनिमम 20 निकाला है तो इसको उठा के रख दीजिए 20, तो ये आएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 20/2 था ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, करें कि अगर आधा हो गया तो कन्फर्म इसे टकराएगा स्पीड से, तो टक्कर करेगा तो पार्टिकल ऐसे टकराएगा। आप पूछा क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कोलिजन, मतलब उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये दूरी x कितने हो गए, अगर ये x नॉट है तो x नॉट कितना होगा, तो क्या करेंगे y में पता कर लेंगे टाइम कितना लगा और उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अच्छा इस पार्टिकल का y का एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 का हाफ 5 हो गया, ये 5 है तो y में लगा देंगे ut प्लस हाफ स्क्वायर, तो y डिस्प्लेसमेंट 5 बराबर y में वेलोसिटी 0 एंड हाफ, ये कितना 10 इंटू t स्क्वायर, इससे t की वैल्यू क्या आ गई 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आ गई, तो 1 सेकेंड में पार्टिकल इस पत्थर से जाके टकरा जाएगा। फिर ये डिस्टेंस कैसे आएगा x नॉट आएगा, x डायरेक्शन सॉल्व करेंगे, x की वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x की वेलोसिटी u कितनी है 10 है ना, अरे 10 यूज़ कर रहे हो ना तभी तो इतना ही दूर जा रहा है, तो 10 इंटू टाइम कितना 1, दिस इज 10 मीटर्स एंड दिस वन इज आंसर, कि पार्टिकल इस वॉल से जब टकराएगा तो जो दूरी तय करेगा ये दूरी 10 मीटर होगी। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि जब इससे टकरा रहा होगा तो इस पत्थर इस दीवार के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, लेट दिस एंगल इज बीटा, तो अगर आप इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे इसको ऐसे तो एंगल क्या आएगा बीटा आएगा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी का हेल्प लेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं बता दूं आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है बट एक्स्ट्रा कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो 10 बीटा किसके बराबर होगा, 10 बीटा होगा वी वाई अपान वी एक्स, वी वाई निकालना बाकी वाई की वेलोसिटी तो आएगी वी वाई बराबर यू प्लस 80, तो वाई की इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए कितना है 10 और टाइम क्या लगा 1 प्लस 10, तो वी वाई जब क्या लिखेंगे 10 और एक्स की वैल्यू कितनी है वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि उधर एक्सेलरेशन नहीं है 10 है सिर्फ देर इट इज 1, इसका मतलब बीटा क्या आएगा 45 डिग्री, मतलब अगर इस पार्टिकल को आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंका होता तो जब पार्टिकल इस दीवार पर टकराएगी तो टकराते समय इस दीवार के साथ या इस प्लेट के साथ जो एंगल बनाएगी वो 45 डिग्री होगी और कितना दूरी तय करेगा एक्स नॉट वो 10 मीटर होगा,
अब कोई पूछे कितनी स्पीड से टकरा रहा, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके अच्छा एक चीज़ और है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम बेस लो, अक्सर सब पूछता है कि एक पार्टिकल्स है, इसका लेंथ एल है, इसका टाइम पीरियड जो 2π रूट एल अपॉन जी है, तो बताइए अगर इसका चार्ज क्यू और मास एम है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर नीचे को स्विच ऑन कर दिया तो फिर नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही, बट ये जी इफेक्टिव बन जाएगा। और जी इफेक्टिव किसने लगेगा, नीचे को नेट फोर्स, नीचे को नेट फोर्स एम जी का आएगा प्लस क्यू ई का आएगा, टी नहीं लिखेंगे। तो एम जी माइनस टी जीरो कर दोगे तो फिर जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे, जी इफेक्टिव में टी को गवर्न आप नहीं देखते हैं, सिर्फ टी के अलावा बाकी सारे फोर्स को देखते हैं जो कि कांस्टेंट फोर्स होता है। तो एम जी इधर दिखेगा, क्यू इधर दिखेगा, एन बराबर लिख लेंगे एम इंटू जी इफेक्टिव। देखिए अगर ई जीरो होता, जीरो कर दो तो जी इफेक्टिव जी आ गया, रख दो यहाँ पर, अगर ई जीरो होता तो। अब ई लगा दियो तो यहाँ से जी इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज जी प्लस क्यू ई अपन एम, उठा के प्लेस कर दो आगे आंसर। ठीक है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। ओके गॉट इट, थैंक यू।